एवरीबॉडी, मैं हूँ सुनैना और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल मॉम्स एज में। अपनी सीरीज नीड टू नो अबाउट न्यू बॉर्न को कंटिन्यू करते हुए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यू बॉर्न बेबीज के फिंगर्स के बारे में। हमने हेड कवर कर लिया, हमने आई, माउथ और नोज सब कवर कर लिया। अब बारी आती है बच्चे के फिंगर्स के बारे में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि आई एम अ मदर, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हो सके तो इसको शेयर भी कर दीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। न्यू बॉर्न जो बच्चे होते हैं ना, वो इतने डेलिकेट, इतने सॉफ्ट, उनका एवरी बॉडी पार्ट्स, बच्चे का पूरी बॉडी ही इतनी डेलिकेट, खुद बच्चे इतने डेलिकेट, इतने सॉफ्ट से होते हैं ना, उनके नेल्स, उनकी फिंगर्स इतनी डेलिकेट, इतनी सॉफ्ट सी होती है ना कि वी जस्ट सो स्केयर्ड। जब हम उसको कैरी भी कर रहे होते हैं ना, तो हम इतने केयरफुली कैरी कर रहे होते हैं कि हमें डर होता है कि बच्चे का कोई इधर उधर बच्चा हो ना, मिसप्लेस ना हो जाए, या फिर बच्चे को कुछ हो ना जाए उसकी। अगर हम नए मदर हैं तो हमें तो बच्चे को कैरी करना भी नहीं आ रहा होता है। मैं अपनी बात बताती हूँ कि जब मेरा फर्स्ट बेबी हुआ था, तो मैं जब अपने बेबी को कैरी करती थी, जब मैं लैप में लेती थी उसको फीड कराने के लिए, तो मेरी मम्मी वगैरह ये सब ना मुझ पर हंसते थे, क्योंकि मुझे बच्चे को उठाने नहीं आता था, नहीं वो उनको कैरी करने नहीं आता था, उसको मैं लैप में कैसे लूँ मैं सोचती रहती थी। मेरा जो एक मिनट का जो प्रोसेस होता था ना कि मैं उसको कैसे किस साइड से उसको अपनी गोदी में लूँ, मेरा यही चलता रहता था। तो मेरी मम्मी वगैरह सब ना मुझ पर हंसते थे कि ऐसे उसको लो, मुझे वो बताते थे कि हाँ ऐसे बच्चे को उठाओ तो वो इजीली आपके गोदी में आ जाएगा और आप उसको आराम से कर सकते हो, क्योंकि बच्चा इतना डेलिकेट होता है। आप नए मदर हो, आपको समझ में नहीं आता है कि आप कैसे उसको कैरी करो। हम लोग की मम्मी जो है वो बताती हैं कि हम लोग के समय में ना क्लिपर्स वगैरह नहीं थे, तो हम लोग क्या करते थे कि अपने माउथ से ही हम लोगों की नेल्स जो हम लोग जब छोटे थे तो वो कट करते थे। ऐसा होता था कि पहले क्लिपर्स नहीं होते थे कि छोटे न्यूबॉर्न बेबीज के नेल को कट करने के लिए, क्लिपर्स नहीं, इतने अवेलेबल सबके पास नहीं होता था, राइट। तो मम्मी बताती हैं कि वो ऐसे बच्चों के नेल्स वो लोग काटते थे, अपने माउथ से ही बच्चे का नेल्स कट करते थे। तो अब तो हम क्लिपर्स यूज़ करते हैं, और हमें बहुत केयरफुल होना चाहिए कि जब हम बच्चे का नेल कट करें तो हमें मेक श्योर करना चाहिए कि हम बच्चे को नेल्स तभी, जब सोया हुआ रहेगा तो वो मूवमेंट नहीं करेगा और उसको कट लगने का टेंशन नहीं रहेगा, या फिर उसको कट लगने का डर नहीं रहेगा, उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कट लग जाएगा तो उसको हैवी ब्लीडिंग हो सकती है, क्योंकि ऑब्वियसली बच्चा है, उसका सॉफ्ट है, उसकी जो बॉडी है बहुत ही ज़्यादा अभी डेलिकेट होती है, तो उसको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है। तो हमें हमेशा केयरफुल होकर बच्चे का जो नेल्स है कट करना चाहिए। और आप देखोगे कि आपको लगेगा कि ऐसा है, मतलब आप देखोगे कि बच्चे का जो फिंगर्स का नेल्स है और टो का जो नेल्स है उसमें काफ़ी डिफरेंस है, उसके ग्रोथ रेट में काफ़ी डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है। जो बच्चे का जो फिंगर्स का नेल है वो जल्दी क्यूटली ग्रो कर रहा है, बट बच्चे का टो का नेल है वो काफ़ी स्लोली, उसका जो ग्रोथ प्रोसेस है वो काफ़ी स्लो है। तो कि बच्चे का टोज का नेल है हमें हमेशा नहीं काटते रहना चाहिए, उसको हो गया तो 3 से 4 वीक हो गया तो ऐसे हमें उसका नेल्स, टो के नेल्स को कट करना चाहिए। बट फिंगर्स के नेल्स जो है हमेशा वीक्स में 1 से 2 बार हमें कट कर ही लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम कट नहीं करेंगे तो बच्चे जो है ना अपने आप को हर्ट कर सकते हैं, वो अपने आप को स्क्रैच कर सकते हैं अपने नेल्स से। तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम उसके नेल्स को कट करते रहें, और तभी कट करें जब बच्चा सो रहा हो, क्योंकि अगर जगा रहेगा तो उसको हर्ट हो सकता है, उसको लग सकता है। सो दैट्स ऑल अबाउट न्यू बॉर्न बेबीज फिंगर्स। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल और शेयर भी कर देना। थैंक यू।